आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण अंतर्गत जिला रोजगार कार्यालय शिवपुरी द्वारा रेडिएंट आईटीआई कॉलेज शिवपुरी के सहयोग से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु 30 एवं 31 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक महल कॉलोनी रोड पर स्थित रेडिएंट आईटीआई कॉलेज में 2 दिवसीय प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। इसके एक दिन पहले रेडिएंट कॉलेज के द्वारा इंटरव्यू की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। हम जानते हैं किसी भी जॉब को प्राप्त करने के लिए चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब, हमें इंटरव्यू से गुजरना होगा। बिना सक्सेसफुल इंटरव्यू दिए हम अच्छे जॉब्स की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। इंटरव्यू जॉब के लिए कितनी जरूरी है, आप इस पॉइंट से समझ गए होंगे। जी, मेरा नाम अभिषेक व्यास है और मैं सीआईआई मॉडल करियर सेंटर जबलपुर की ओर से प्रक्षेप प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे मुझे रेडिएंट ग्रुप में बुलाया गया है। और प्रक्षेप ये जो 3 दिन का इवेंट है, ये प्रक्षेप द्वारा यहाँ संचालित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य भूमिका में रेडिएंट कॉलेज है और साथ ही जिला रोजगार कार्यालय और जिला प्रशासन का भी हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। और इसमें तकरीबन 9 से 10 कंपनियाँ हैं जो 2 दिन बच्चों के इंटरव्यू लेंगी, और जिसमें इंडिया लेवल की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। आईटी सेक्टर से हम बात करें तो टेक महिंद्रा है जो वर्क फ्रॉम होम दे रही है, और इसी टाइप की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो शिवपुरी के युवाओं के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर ये लेकर के आए हैं। तो बहुत अच्छी पहल है रेडिएंट कॉलेज के द्वारा, जो शिवपुरी के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने अपने कैंपस में स्टार्ट करवाई। इससे पहले भी हमारे कई रोजगार मेले हमने किए हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना थी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसमें जनवरी और फरवरी में हमने तकरीबन 8,808 बच्चों को 2 महीने में प्लेसमेंट दिया है, जो देश की विभिन्न कंपनियों में प्लेस्ड हैं और अलग अलग जगह पर प्लेस हैं, जो बच्चे आज भी काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि काफ़ी युवाओं की रोजगार छिना, प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए थे हमारे मध्य प्रदेश में, तो प्रवासी मजदूरों के लिए भी हमने काम किया है। साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयड जो हमारा यूथ है, जो अभी पढ़कर के बच्चे निकले हैं, उन लोगों को भी हम मोटिवेट करके जॉब प्रदान कर रहे हैं।